मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने समस्त नागरिकों, विशेषकर श्रमिकों, किसानों, वृद्धों, विधवाओं सहित समाज के कमजोर वर्ग के प्रत्येक परिवार हेतु आर्थिक मदद पहुँचाने का कार्य कर रहा है। साथ ही संक्रमित व संदेहास्पद मरीजों के निःशुल्क इलाज के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी समस्त आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। वर्तमान में उत्पन्न विषम परिस्थितियों में मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनेक औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठन अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे आए हैं, जिनके सहयोग व योगदान हेतु प्रदेश सरकार कृतज्ञ है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सक्षम व्यक्तियों एवं संगठनों से अपील की है कि मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में दिल खोल कर सहायता राशि जमा करें, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं राहत प्रदान करने के लिए किया जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ सहभागी बना है। कोरोना वायरस को पूरी तरह समाप्त करना है, इस दृष्टि से पब्लिक अवेयरनेस जहां महत्वपूर्ण है, सतर्कता और सावधानी जहां महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ हम इस चीज का भी ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत न मिले। प्रदेश सरकार इसके बारे में जहां पूरी सतर्कता बरत रही है, वहीं नागरिकों से भी हमारी अपील है कि हर एक स्तर पर हम भी प्रयास करें कि सतर्कता और सावधानी से ही हम कोरोना वायरस को पूरी तरह परास्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसमें पहले से ही काफी कुछ हम लोगों ने भारत सरकार की मदद से किया है, राज्य सरकार ने अपने रिसोर्सेज से भी किया है। कोरोना वायरस जब तक था, जब प्रारंभ हुआ था, तब प्रदेश में एक भी लैब्स नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर हम लोग 8 लैब्स सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर इसकी संख्या बढ़े। प्रदेश के अंदर कोविड 19 के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी हो, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर्स, पीपी, N95 मास्क आदि की एक मैन्युफैक्चरिंग की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी हो, इस दृष्टि से हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कोविड केयर फंड का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारे पास 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्तमान में संचालित हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम लैब्स की स्थापना कर सकेंगे, टेस्टिंग लैब्स की स्थापना हो, हर मंडलीय कार्यालय में हम लोग टेस्टिंग लैब्स की स्थापना कर सकें। इस दृष्टि से 75 जनपद हैं हमारे, 75 जनपदों में अब तक हम लोगों ने L1 लेवल के कोविड हॉस्पिटल स्थापित किए हैं। L2 स्तर के कोविड हॉस्पिटल का निर्माण अभी हमारे यहां प्रदेश के अंदर 24 मेडिकल कॉलेजेस में और कुछ मंडलीय हॉस्पिटल में हम लोग करने में सफल हुए हैं। L3 लेवल के कोविड हॉस्पिटल केवल 6 अभी प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक जनपद में L1 और L2 लेवल के कोविड हॉस्पिटल की स्थापना हो, L3 लेवल के हॉस्पिटल हर एक मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ हो सके और हम प्रदेश के अंदर ही पीपी, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स आदि के मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को भी क्रियाशील करते हुए प्रदेश को एक बेहतर स्थिति दे सकें। इसके लिए मेरी अपील प्रदेश के सभी सुधीजनों से होगी और खासतौर पर अपने माननीय विधायकों से, विधान परिषद के माननीय जो सदस्यगण हैं उनसे, विभिन्न उद्यम से जुड़े हुए उनके CSR फंड से मेरी अपील होगी कि वे उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में अपना सहयोग करें और सहयोग करते हुए
अगर सभी मान्य विधायकगण अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि इस फंड के लिए उपलब्ध करवा देते हैं, अपना 1 माह का वेतन इस फंड के लिए उपलब्ध करवाते हैं, तो हम एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर हम लोग इन सेवाओं को और स्ट्रेंथिंग करने में हमें मदद मिलेगी। प्रदेश के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल के निर्माण की एक श्रृंखला हर जनपद में खड़ी हो पाएगी। अधिक से अधिक लैब्स और टेस्टिंग लैब्स स्थापित होने से टेस्ट की फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। पीपी जो इस समय सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता है, N95 मास्क, 3-लेयर मास्क, इन सबको हम उपलब्ध करवा देंगे। जैसे सैनिटाइजर की समस्या का समाधान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर डिस्टिलरी के माध्यम से अल्कोहल की आपूर्ति करके हर एक जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की है, ऐसे ही हम लोग इन सभी की आपूर्ति करने में भी इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए मेरी सभी से अपील होगी, सभी मान्य विधायकों से, सभी मान्य विधान परिषद के सदस्यों से, सभी कंपनियों से, उद्यम से और समाज के सुधी जनों से भी कि वह उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में सहयोग करें और उस सहयोग के माध्यम से हम इन सेवाओं की स्ट्रेंथनिंग करके कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने में और जीतने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मुझे यही अपील पूरे प्रदेशवासियों से और अपने मान्य जनप्रतिनिधियों से करनी थी। धन्यवाद।